के तहत अदा की जाएगी। सैलाब की तबाहकारियों के बाद बहाली का मिशन जारी है। अमरीकी हुकूमत ने बिजली की तरसीली निज़ाम की बेहतरी के लिए 2400 खंबे हेस्को को फराहम कर दिए हैं। कराची में तैनात अमरीकी काउंसल जनरल कॉनराड ट्रिबल कहते हैं कि हेस्को को फराहम करदा इमदाद तवानाई के शोबे में पाकिस्तान की मुआवनत का तसलसल है। मौसमियाती तब्दीली के असरात को कम करने के लिए मुश्तरका तौर पर काम कर रहे हैं। अमरीकी हुकूमत की जानिब से फराहम करदा पोल्स की सुपुर्दगी की तकरीब हेस्को हेडक्वार्टर में मुनक्किद की गई, जिसमें कराची में मुतय्यन अमरीकी कौंसल जनरल ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। हेस्को के चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जमील गुल के सुपुर्द किए गए पोल की तादाद 2400 जबकि मालियत 5 लाख अमरीकी डॉलर है। सैलाब मुतासरीन की बहाली के हवाले से अमरीकन कौंसल जनरल ने कहा कि सो वी हियर टू मार्क द ओकेजन of a very important assistance program to Pakistan. We're handing over 2,400 poles for the HESCO, the Hyderabad Electric Company, to help repair the damage from the 2022 floods. I am very proud to be able to do this. This is one of the most important pieces of our work, which is to help support the power sector. Energy is critical to everything that Pakistanis do: business, schools, hospitals, government function, home. Large and all-encompassing includes these poles, and it's a very important part of our development partnership with Pakistan. चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जमील गुल ने बताया कि हालिया सैलाब की तबाहकारियों से सिर्फ हेस्को रीजन में 1.5 बिलियन का नुकसान हुआ और तरसीली निज़ाम की बहाली के लिए अमरीका के मशकूर हैं। हमारा अपना जो फ्लड की वजह से नुकसान हुआ था 1.5 बिलियन रुपीस का था, जिसमें सारे ट्रांसफार्मर वगैरह, पोल वगैरह, ट्रांसमिशन 250 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन हमारे गिर गई थी, उसको हमने सारे ठीक किए, नए कंडक्टर लगाए, टावर गिर गए थे, तो बहुत सारी चीज़ें हमने किए। तो अप्रॉक्सीमेट जो खर्चा आया है हेस्को का 1.5 बिलियन रुपीज़ है। तरसीली सामान की सुपुर्दगी की तकरीब में अमरीकी कौंसुलेट के अराकीन हेस्को अफसरान ने बड़ी तादाद में शिरकत की, जबकि मेहमानों को सिंध की रिवायती अजरक और सिंधी टोपी के तहाइफ व यादगारी शील्ड पेश की गई। कैमरामैन नईम शाह के साथ नासिर हसन खान, ARY न्यूज़, हैदराबाद। कुछ दौर में कस्टम्स कलेक्ट्रेट ने स्मगलिंग